दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ डेंड्रफ के बारे में। डेंड्रफ एक बहुत ही कॉमन समस्या है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। ये आपको तंग करती है, आपके सर में खुजली होती है, इचिंग होती है, कभी ड्राइनेस होती है, कभी फ्लैकिंग होने लगती है, आपके लिए कपड़े पहनना मुश्किल हो जाता है, खासतौर से काले या डार्क कलर के, क्योंकि यहाँ पे सब व्हाइट व्हाइट कुछ रेशे से यानी कि डेंड्रफ आपके कांधों पर दिखने लगता है। फिर आपको लोग अलग अलग सलाह देते हैं, कोई कहता है कि आप सर में तेल बिल्कुल मत डालिए, कोई कहता है नहीं नहीं आप ये शैम्पू मत करिए, कोई कहेगा नहीं 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 आपको ये तरीका आपने लेना चाहिए जिससे आपका डेंड्रफ चला जाएगा, लेकिन ये डेंड्रफ जाने का नाम नहीं लेता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में आज ऐसी चार रेमेडीज बताने वाला हूँ, होम रेमेडीज बताने वाला हूँ, जिनके इस्तेमाल करने से डेफिनेटली आपका जो डेंड्रफ है वो जाता रहेगा। ये जो चार रेमेडीज हैं, ये देखिए अलग अलग टेम्परामेंट के लोगों के अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो हो सकता है कि अगर आप एक रेमेडी यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा न मिले, लेकिन किसी दूसरी रेमेडी से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले और आपका डेंड्रफ पूरी तरीके से जाता रहे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसका परमानेंट मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरीके से आप डेंड्रफ की समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि भाई इसका कारण क्या होता है, डेंड्रफ होता ही क्यों है। देखिए, डेंड्रफ जो है ना, एक नेचुरली एक फंगस आपके बालों में जमा होता है या पैदा हो जाता है, और ये ऑलमोस्ट मोर देन 90% पॉपुलेशन के बालों में ये फंगस पाया जाता है, जिसको मेलेसेजिया के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसकी कुछ फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं इसको, तो ये ग्रो करने लगता है, और अगर ऐसी चीज़ें हम करते हैं या हम ऐसी प्रिवेंशन से प्रिकॉशंस लेते हैं कि इसको ग्रो करने का मौका ना मिले, तो फिर आपको डेंड्रफ नहीं होता है। इसके अलग अलग कारण है। कई बार ये भी होता है कि बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये ज़्यादा ग्रो करता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी स्किन अगर ऑयली है तब भी ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, और अगर आप बालों को क्लीन नहीं रखते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, आप जल्दी शैम्पू नहीं करते हैं, तब भी इसके ग्रो करने के कारण होते हैं। उसके अलावा एक जेनेटिक रीज़न भी होता है कि अगर आपकी फैमिली में आपके माँ बाप को डेंड्रफ है तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको भी डेंड्रफ हो जाए। उसके अलावा कुछ हार्मोनल रीजंस भी होते हैं। ऐसे लोग जिनके बाल ज़्यादा ऑयली होते हैं, हार्मोनल रीजंस की वजह से उनको भी डेंड्रफ होने की समस्या ज़्यादा होती है, और कुछ बीमारियां भी होती हैं, कुछ फंगल डिजीजेस होती हैं, जैसे सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो है, इवन वो इस डेंड्रफ के कारण भी डेवलप हो जाती है। और अगर आपको सिबोरिक डर्मेटाइटिस है तो फिर आपको डेंड्रफ होगा ही होगा, और साथ ही जो है जो सोरियसिस एक बीमारी है उसमें भी जो है डेंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमने कारणों की बात कर ली। अब सीधे सीधे हम बात करते हैं कि इसके लिए होम रेमेडीज क्या होती है। तो जो सबसे पहली होम रेमेडी है वो दोस्तों होती है टी ट्री ऑयल। आपको चाय की पत्ती के पेड़ का अगर ऑयल मिल जाता है, उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेंड्रफ जाता रहेगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग है। आप इस टी ट्री ऑयल के कुछ 4-5 बूंद अपने शैम्पू में, जब आप शैम्पू निकालते हैं उसके अंदर ये 4-5 बूंद टी ट्री ऑयल का मिला दीजिए, और इसको अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में लगा लीजिए, बालों की जड़ों में, जैसे आप शैम्पू करते हैं रेगुलरली उस तरीके से। इस शैम्पू को आप 5 मिनट कम से कम अपने बालों में लगा रहने दें, और उसके बाद इसको धुल लें अच्छे तरीके से। इसको आप हफ्ते में 3 बार करें, लगातार भी करेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका डेंड्रफ जाता रहेगा। जो नंबर 2 रेमेडी है वो होती है दोस्तों एप्पल सिडार विनेगर। एप्पल सिडार विनेगर को भी आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपको थोड़ा सा एप्पल सिडार विनेगर लेना है, करीब 1 से 1.5 चम्मच, और उतना ही पानी उसके अंदर मिला लेना है, और इसको आप अच्छे से बालों की जड़ों में लगाएंगे, जैसे हल्के हाथ से मालिश करते हैं। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट अपने बालों में लगा रहने दीजिए, और उसके बाद अच्छे से बालों को रिंस कर लीजिए, और कोई भी एंटी डेंड्रफ ओवर द काउंटर जो भी मिल जाते हैं वो आप इस्तेमाल करें, या कोई हर्बल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो। इसको आप कम से कम 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करेंगे, और आप देखेंगे कि आपका डेंड्रफ जो है पूरी तरीके से चला गया है। जो तीसरे नंबर की रेमेडी होती है वो होती है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके सारे ही लोगों के घर में पाया जाता है। आप करीब 1 चम्मच 1.5 चम्मच बेकिंग सोडा ले लीजिए, जितना आपके सर में लग जाए, और लगभग उतना ही उसमें पानी मिला के पेस्ट जैसा बना लीजिए, सो दैट आपकी बालों की जड़ों में लग जाए। इसको आप अपने बालों की जड़ों में लगाइए, और खासतौर से ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदा करता है जिनके बाल ऑयली होते हैं। इसको भी आप लगा के कम से कम 15 मिनट छोड़ेंगे, और इसको भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में उसके बाद आप कोई एंटी डेंड्रफ शैम्पू भी इस्तेमाल करें। आप इसको 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करें,
लेकिन अगर इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है तो इसको आगे और कंटिन्यू ना करें, आपको दूसरा उपाय या दूसरी जो मैं रेमेडीज आपको बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करें, उनमें से आपको किसी एक से फायदा मिल जाएगा। और जो चौथी रेमेडी है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा शहद ले लीजिए, करीब 1-1.5 चम्मच शहद ले लें, उसमें करीब 1/2 से 1 चम्मच लेमन जूस मिला लें, और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा चाय की पत्ती का पानी, आप थोड़ी देर चाय की पत्ती को भिगो कर रख दें, उसमें जो जो पानी मिलेगा निकलेगा उसको आप इसके अंदर मिला लें करीब 1 से 1.5 चम्मच, और इसको भी आप अपने बालों की जड़ों में मालिश करें हल्के 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 धीरे धीरे, और इसको 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ दें। हफ्ते में 3 बार आप ये काम करेंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका डेंड्रफ है वो कम होने लगा है। जब आप इस प्रक्रिया को लगातार 1-1.5 महीना कर लेंगे, आपका डेंड्रफ जाता रहेगा, साथ में आप कोई एंटी डेंड्रफ शैम्पू भी इस्तेमाल करें। तो ये तो हमने कर ली कुछ होम रेमेडीज की बात, अब हम बात करेंगे इसके परमानेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की बात, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करेंगी रेमेडीज, ये आगे इसको बढ़ने नहीं देगी। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको डेंड्रफ हो रहा है या अभी भी कुछ कमी बाकी रह जाती है, तो ये जो मैं कुछ आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की बात बता रहा हूँ इसको आप इस्तेमाल करें, इससे डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। कुछ आपको एंटी डेंड्रफ ओवर द काउंटर शैम्पू मिल जाते हैं, अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उनके इस्तेमाल करने से आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए ये जो प्रिस्क्रिप्शन शैम्पूज आते हैं, एंटी डेंड्रफ शैम्पूज आते हैं, जिनको मेडिकेटेड डेंड्रफ शैम्पूज भी कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। तो आप ऐसा शैम्पू चूज करें जिनमें से ये जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ अगर ये मिल जाती हैं, जैसे कीटाकोनाजोल होता है, ये काफ़ी असरदार होता है खासतौर से डेंड्रफ के मरीजों के लिए। उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, और एक और दवाई होती है जिसको जिंक पेरीथायोन के नाम से जाना जाता है। अगर ये कोई भी दवाई या मिक्स ऑफ दवाइयाँ आपके शैम्पू में होती हैं तो ये आपको बहुत फायदा करती हैं। तो इन रेमेडीज़ के साथ अभी शैम्पू को ज़रूर इस्तेमाल करें, और शैम्पू को आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेंड्रफ जाता रहेगा। और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि आपको टॉपिकल क्रीम वगैरह भी लगानी पड़ती है, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ था जिसकी वजह से बालों की जड़ों में इन्फ्लामेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्लैकिंग हो गई थी, वहाँ पर स्केलिंग होने लगी है, तो फिर कुछ ऐसे आपको क्रीम लगाने के लिए डॉक्टर देता है जिसमें कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि इनसे बचना चाहिए, जैसे इसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन होता है या दूसरी क्लेबेटोसोल जैसी दवाइयाँ भी होती हैं, हालांकि ये एंटीफंगल के तौर पर भी काम करती है। और साथ ही साथ आपको कई बार ओरल मेडिकेशन यानी कि खाने वाली दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, अगर ये सारी कॉम्बिनेशन से भी आपको फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये एक बीमारी आसान बीमारी नहीं है, थोड़ा मुश्किल बीमारी है, और इसीलिए आप बार बार बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं और आपको फायदा नहीं मिलता है। तो आप अगर इन सब करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं इतना फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ ओरल मेडिकेशंस भी लेने पड़ेंगे, और जब आप ये दवाइयाँ लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो डेंड्रफ की जो समस्या है वो जाती रहेगी। इनमें से बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, एट्राकोनाजोल है और भी कुछ बहुत सारी एंटीफंगल दवाइयाँ होती हैं, या फ्लूकोनाजोल है, तो इन दवाइयों को आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे या डॉक्टर के सलाह मशवरे पे ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बताता है कि आपको कितनी डोज की ज़रूरत है, कितने दिन तक की दवाई लेनी है, और भी साथ में क्या दवाई ले सकते हैं। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे लगातार और इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो डेंड्रफ है वो जाता रहेगा और आप पूरी तरीके से ठीक होंगे। और आपको आई एम वेरी श्योर आप लौट के आके ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको फ़ायदा मिला। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, तो अगर इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिले। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।